प्रताप सिंह ठाकुर, तहसील इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन चैंबर है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि आज जिला स्तर पर हमारे जितने भी एक्सपेंशन मॉनिटरिंग टीम्स के लिए और जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी लगते हैं, विभिन्न फ्लाइंग स्कैड सिक्स टीम जितने भी आर ओ लेवल पर जो हमारी टीम फंक्शनल होगी हॉस्पिटल इलेक्शन के साथ, उनको एक ट्रेनिंग दी गई। आदरणीय एडीएम महोदय जो हमारे इलेक्शन के इंचार्ज भी और नोडल ऑफिसर हैं एक्सपेंशन मॉनिटरिंग सेल के, उनके द्वारा और हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर के द्वारा जो अब मंडिटली हर बात को बड़े तरीके से उनको समझाया गया कहाँ कहाँ ये कॉन्फ्लिक्शन आती हैं, कुछ कन्फ्यूजन होती हैं, और अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस एज ए आर ओ उसको शेयर करते हुए हर चीज़ पे हर मतलब पॉइंट पे ये बिल्कुल मॉनिटरी स्लाइड के माध्यम से इनको बताया गया। सभी टीमों के जितने भी मेंबर हैं उनको हमने ये एक प्रिंटेड मटेरियल जो कि हर टीम का फंक्शन है, उसकी क्या फॉर्मेट्स हैं, कैसे कैसे रिपोर्टिंग करनी है, क्या क्या उसके लिमिट्स हैं, उस प्रकार से दिया। और आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे एमसीसी सेल बना है, एक्सपेंशन मॉनिटरिंग सेल है, एमसीएमसी जो मीडिया कार्य देखने के लिए सेल बना है, उनके बारे में इनको विस्तार जानकारी दी गई। जहाँ हमारे जो ऑफिसर नियुक्त होंगे कंट्रोल रूम सेट होगा, उस बारे में जो भी हमारा कम्युनिकेशन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहेगा, और जितने भी इनको आगे सभी आर ओज को ये डायरेक्शन दी गई कि वे अपने लेवल से भी इनकी एक ट्रेनिंग करवाएं। नेक्स्ट एक ट्रेनिंग की हमारे जब इलेक्शन कमीशन से ऑब्जर्वर आएंगे उनको द्वारा भी एक एक्सपेंचर ऑब्जर्वर के साथ और इनके जो टीमों के साथ मीटिंग होगी, और उसमें इनको भी बाकी डायरेक्शन जो है ईसीए के लेटेस्ट डायरेक्शन को दिया जाएगा, शेयर किया जाएगा। और इसमें जो इलेक्शन के संबंध में जितना जब हम ये फील्ड में काम करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे डेट्स होती हैं, सीजर होता है, उसका एसओपी क्या है, उस बारे में एक बड़ी डिटेल से जानकारी दी गई है। और आज की जो मीटिंग ट्रेनिंग की जो इनको जानकारी उपलब्ध कराई है, प्लस जो टेक्स्ट मैसेज में हमने जो डायरेक्शन दिए हैं और मटेरियल उपलब्ध कराया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही वैल्यूबल रहेगा, बहुत यूज़फुल रहेगा। और लगता है कि जब ये काम करेंगे एक्चुअली फील्ड में काम करेंगे तो किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न का कोई दिक्कत नहीं आएगी।